नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो देखिए, आप एनसीईआरटी बुक है, सब्जेक्ट है मैथ और क्लास है आपकी कितनी, कौन सी क्लास है? क्लास है आपकी सिक्स क्लास है। कौन सी क्लास है? सिक्स क्लास है। एंड वी हैव अ टॉपिक, हमारे पास टॉपिक है हमारे पास नोइंग आवर नंबर। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट है, जिसकी बुनियाद जो है क्या होती है, काउंटिंग से, नंबर नेम, यह नोइंग और नंबर के बारे में। और एज यू नो, जैसे नंबर आपको पता है, वन होते हैं, टू हो गया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ओके, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, दीज आर, इनको बोलते हैं होल नंबर। ये आप आगे पढ़ोगे आप, इनको होल नंबर है, काउंटिंग होल नंबर्स। और जब ये वन से स्टार्ट होते हैं तो इसको नेचुरल नंबर बोल देते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री डैश डैश डैश। अब इसमें कौन सा है? ये देखिए, वन नंबर है, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर हो गया, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर क्या हो गया इसमें? वन, वो नाइन हो गया, सॉरी नाइन। अब उसके बाद नाइन के बाद अगर स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर करेंगे तो स्मॉलेस्ट जो है, अगर वो जीरो के वैल्यू नहीं रखेंगे तो वन को मानते हैं इनमें स्मॉलेस्ट, क्योंकि जीरो तो काउंट नहीं करें लेकिन काउंटिंग में लगाते हैं। लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर आपका हो गया वन। उसके बाद आता है टेन, इलेवन, डैश डैश डैश। अब इसमें जो है, उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, जो आपको पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर क्या हो गया आपका? वन जीरो। ऐसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर पूछा गया आपको तो हो जाएगा वन डबल डबल जीरो करेंगे। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर पूछा जाएगा तो वन टू थ्री फोर लिख दिया। ऐसे आपका इसमें लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट क्या हो गया, ऐसे काउंटिंग ली है डैश 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 करके, 99 क्या हो गया लार्जेस्ट टू, उसके बाद 100 होता है, 100 तीन डिजिट, वन टू थ्री डिजिट। 100 में कितने डिजिट हैं? 100 में थ्री डिजिट हैं, मतलब वन टू थ्री, ये टोटल में ला के थ्री डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए? ये थ्री डिजिट हो गए 100 में, 100 में थ्री डिजिट हो गए। देखिए यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ वन हो गया, ये वन डबल जीरो हो गया आपका जो है काउंटिंग करके। यहाँ पर वन लिख दिया, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया, ये 100 के दो डिजिट जो है, 100 के तीन डिजिट हो गया, वन डबल जीरो, ये 100 हो गया। तो 100 ये हो गया लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, क्या लिखोगे? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? 99। लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 39 लिख सकते हो। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर लिखोगे 9999। ओके, ऐसे ही लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर लिखोगे आप तो उतनी बार 9 लिखो, 9999। अब उसके बाद इसमें प्लेसेस लगाते हैं, वंस हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, इसमें पढ़ा था हमने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो ये वंस इंडियन सिस्टम में ये कॉमा आ गया, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, 10,000। ठीक है, ये तो था नंबर के बारे में। अब इनके कंपेयरिंग करने का, कंपेयरिंग फॉर एग्जांपल आपका गया, लिखा हमने यहाँ पर एक फिश है, दूसरी फिश भी है यहाँ पर, और उसने एग दिया अंडे, ये देखिए, बहुत सारे हैं। इसमें काउंटिंग करके देखिए आप, देखिए ये ठीक है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी
31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। अब यहाँ पर फोर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। अब यहाँ पर कितना है ये देखिए आप ही कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको क्या करना है ये दिस नंबर 34 इज मेड बाय टू डिजिट, इसमें दो डिजिट है एंड नाउ इसमें केवल वन डिजिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है इनमें कंपेयरिंग करने है ऑन कंपेयरिंग। अब क्या कंपेयरिंग करने है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। कंपेयरिंग कैसे करेंगे आप, इसमें दो डिजिट हैं और इसमें क्या है केवल एक डिजिट है। सो हम क्या होगा ये साथ 34 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इसके जो है क्या होगा ग्रेटर देन 9। सेम है उसी तरह से आप दो डिजिट में नेक्स्ट अब मान लीजिए हम लेते हैं एक नंबर ये हमने 96 है 89 है एंड नाउ वी हैव टू कंपेयरिंग करनी है इसमें 1 से 10 है 1 से 10 से लिखते हैं लेकिन इसमें वी हैव टू फर्स्ट डिजिट देखते हैं इसमें फर्स्ट डिजिट इसमें 9 है इसमें क्या है फर्स्ट डिजिट इसमें 9 है इसमें 8 है तो 9 इज ग्रेटर देन 8 9 बड़ा होता है 8 छोटा होता है तो क्या होगा 90 उसी तरह से 96 क्या होगा इज ग्रेटर देन 96 बड़ा होगा ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर लेते हैं 8, 9, 6, 9, 8, 7 ओके एंड नाउ वी हैव टू कंपेयरिंग नाउ पहले हम फर्स्ट वी हैव टू डिजिट हमें डिजिट देखनी है हाउ मेनी डिजिट हियर इसमें ये 3 डिजिट है कितने डिजिट है ये भी इसमें भी क्या है 1, 2 ये देखिए इसमें भी 3 डिजिट है 1, 2, 3 डिजिट है देयर आर 3 डिजिट हियर तो अब क्या हो जाएगा सबसे फर्स्ट भी है फर्स्ट डिजिट इज कॉमन फर्स्ट डिजिट क्या है कॉमन है सेकंड आल्सो इज कॉमन सेकंड भी कॉमन है सेम है तो फर्स्ट डिजिट सेम है दोनों का फर्स्ट डिजिट्स सेम है आर सेम फर्स्ट टू डिजिट लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट जो है लेफ्ट जो है दोनों जो है क्या है सेम है ये फर्स्ट टू डिजिट आर सेम लास्ट डिजिट क्या है इसमें 6 है और हियर इज 7 ओके तो यू हैव टू जो व्हिच इज ग्रेटर 7 इज ग्रेटर देन 6 सो यहां पर क्या होगा नेक्स्ट नंबर 987 इट्स ग्रेटर देन 986 ओके ये 3 डिजिट नंबर हो गया ओके। अब यहां पर लिखा हुआ है कोई डिजिट लिख रहती है आपका सम्स है इस तरह से ये नंबर है यहां पर गिवन यहां पर नंबर है गिवन ओके। अब आपको क्या करना है लिखा रहेगा यहां पर फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ओके। तो देखिए नेक्स्ट हमारे फर्स्ट है कि देखिए देर आर यहां पर जो है कुछ डिजिट गिवन है ठीक है आपको यहाँ पर क्या फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है अलग अलग नंबर है फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए यहाँ वही के कितने डिजिट है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 1, 2, 3 इसमें 2 डिजिट है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें तो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें है 6 डिजिट कितने हैं 6 डिजिट्स ओके तो 6 डिजिट की वजह से और इसमें कितने 3 डिजिट्स है ओके इसमें 2 डिजिट और इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हैं कितने टोटल इसमें 5 डिजिट हैं ओके। तो जो है ज़्यादा डिजिट वाले हैं इसमें ग्रेटेस्ट निकल जाएगा आपका ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट जो है जो नंबर होगा वो होगा आपका 6 डिजिट वाला 6 डिजिट कौन सा है 4, 5, 9, 8, 6, 9 ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आपका जिसमें कम डिजिट होंगे वो स्मॉलेस्ट नंबर कितने 2 डिजिट नंबर वाला है 88 तो ये आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करने का ये इसमें लिखा है यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है
फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन लिखा है 2853.769199999 लिखा है, 4199999 12,002 लिखा है, 124। ओके, इन नंबरों में आपको चेक करना है विच इज ग्रेटर एंड विच इज ग्रेटेस्ट नंबर है विच इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी डिजिट हियर, देयर आर 4 डिजिट, कितने डिजिट है यहाँ पर, 4 डिजिट। ओके, हियर ऑल्सो 4 डिजिट, हियर ऑल्सो 4 डिजिट एंड हियर आर 5 डिजिट। ओके, ये 5 डिजिट है, इस हियर इज 3 डिजिट, यहाँ पर कितने हैं, विच इज 3 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। ओके, तो जो है इसमें जो है 5 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, हियर ऑल्सो 4 डिजिट्स, हियर ऑल्सो यहाँ पर भी कितना है, 4 डिजिट है। ठीक है, तो देखिए 5 डिजिट नंबर ये इज लार्जेस्ट डिजिट है, ये ग्रेटेस्ट डिजिट हो गया आपका, जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 डिजिट नंबर वाला हो जाएगा, 5 डिजिट जिसमें होंगे। तो 5 डिजिट किस में है आपके, 12,002 हो गया, 12,002 हो गया, 12,002 एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका क्या, विच इज 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कौन सा है, जो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर कौन सा है आपका, 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और 5 डिजिट वाला 12,002 ग्रेटेस्ट। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है, यह क्वेश्चन है आपका 4536 और इसमें 4892437014452 है। देयर आर सब में क्या है, देखिए आप 1234 1234 1234 1234 1234 सभी क्या है, ऑल नंबर्स है 4 डिजिट, ऑल नंबर्स हैव 4 डिजिट, सब में क्या है 4 डिजिट है। अब 4 डिजिट है तो जो है कंपेयरिंग करने में थोड़ा सा जो है, अब देखिए इनका फर्स्ट डिजिट क्या है, ऑल आर फर्स्ट डिजिट 4 है, पहला डिजिट क्या है सबका 4 है, ऑल आर 4, फर्स्ट डिजिट सबका क्या है 4 है। तो फर्स्ट डिजिट जो है ऑल नंबर्स, जो नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है, जो है नंबर्स फर्स्ट डिजिट जो है क्या है, फर्स्ट डिजिट इज 4, फर्स्ट डिजिट क्या है आपका 4 है। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग सेकंड डिजिट, नाउ ऑन कंपेयरिंग, अब दूसरी डिजिट का कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग सेकंड डिजिट का कंपेयरिंग कर लीजिए, अब सेकंड डिजिट का कंपेयरिंग कर लीजिए। सेकंड डिजिट क्या है, पहले डिजिट में 5 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 3 है और चौथे में क्या है, फोर्थ नंबर में 4 है। तो विच इज ग्रेटेस्ट, ये हो गया 8 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो 8 कौन सा नंबर है, 8 है, इसमें 8 है आपका लार्जेस्ट ग्रेटर लार्जेस्ट डिजिट या ग्रेटेस्ट डिजिट होगी, 8 वाले डिजिट ग्रेटेस्ट जो है, जो नंबर होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 4892 4892, और स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जिसमें 3 है, स्मॉलेस्ट नंबर किसमें है, 3 किसमें, स्मॉलेस्ट नंबर 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर 3, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो ये नंबर हो गया 4370 4370। नेक्स्ट है पुट साइन, साइन यूज करना है आपको, ये लेस जो है इक्वल टू, तीनों साइन यूज करने हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है इसमें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों डिजिट जो है क्या है, दोनों नंबरों में डिजिट आर सेम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखिए पहला डिजिट क्या है, 8 है, यहाँ कॉमन है, ये 8 सेम है, दो फर्स्ट डिजिट इज सेम, फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड है 9, ये भी 9 है, थर्ड है आपका कितना, थर्ड डिजिट है आपका यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पर 9 है, तो थर्ड डिजिट है आपका यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो गया 9, तो ये क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 8, सो आपको साइन लगेगा इस तरह, ये लाइक दिस। ओके, बड़ी डिजिट के साइन की तरह जो है आपका क्या होता है,
एरो जो है वो छोटे डिजिट के साइड होता है। सेकंड क्वेश्चन में हाउ मेनी डिजिट काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट हैं, इसमें भी टोटल 8 डिजिट हैं और इसमें भी टोटल 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काउंट करना है, फर्स्ट डिजिट 8 इज अ सेम, सेकंड 6 है, 6 है, देखिए आप थर्ड है 9, यहाँ पर 9 है, फोर्थ यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, फिफ्थ यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सिक्स में यहाँ 8 है, यहाँ क्या है, ये जो है यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ 6 है, तो ये आपका नंबर में चेंजिंग आ गई है, देखिए आप, ठीक है। 8 is greater than 6, तो यू हैव टू लाइक साइन ऐसे यूज करना है, ठीक है ना, बिकॉज 8 आपका बड़ा है, ठीक है। ये आप कितनी भी बड़ी डिजिट है इसने डिजिट काउंट करके फिर जो है ये वाले डिजिट क्या आ रही है आपकी, बड़ी आ रही है इससे। अब ये नाउ नेक्स्ट नंबर है, कितने है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं और इसमें भी क्या है आपके 5 डिजिट्स हैं, ओके। फर्स्ट डिजिट आपका दिख रहा है 9 है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 0 0, 4 4 8 8 और 6 and 6, ओके 6 and 6, बोथ नंबर्स आर सेम, बोथ नंबर दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर्स सेम है। हमारे पास डायरी पेज नंबर 3 है, यूज गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीट के, एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको, ठीक है ना। वी हैव फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 4750, ओके। अब इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पहले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें असेंडिंग में लिखना पड़ेगा इनको, इनको डिसेंडिंग में लिखना पड़ेगा। डिसेंडिंग में लिखने पर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ये देखो, बड़े से ऐसे एरो जो है, पहला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी डिजिट लिखनी है पहले, ऊपर से नीचे पहुंचना है आपको, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, इट्स अ 5, फिर हो जाएगा 4 और नेक्स्ट नंबर होगा 0, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 7 5 4 0, ये आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, ओके। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में बच्चे आपस कंफ्यूज होते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग में यही पिक्चर उल्टा बन जाएगा। असेंडिंग में क्या होगा, एरो देखिए, एरो से पता लग रहा है, पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, स्मॉलेस्ट सीढ़ी से ऊपर की तरफ, एरो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में इन डिजिट को लिखेंगे तो 0 तो लिख नहीं सकते, 0, फिर असेंडिंग ऑर्डर में 4 5 7, 0 4 5 7, लेकिन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पूछा है आपको, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा आपको, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 0 तो स्टार्ट कर नहीं सकते, अगर आप 0 करेंगे और इस तरह करेंगे तो ये रॉन्ग माने जाएगा, बिकॉज इसमें 0 को काउंट नहीं करते हैं, ये 3 डिजिट हो गए आपके, बिकॉज ये क्या हो गए, 3 डिजिट हो गए, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका, पहले जो है उससे उसके बाद कौन सा डिजिट है 4, फिर कौन सा, फिर ले सकते हो आप 0, फिर है 5, फिर है 7, ये हो जाएगा 4 0 5 7, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 0 5 7, और नेक्स्ट नंबर है आपके पास, नेक्स्ट नंबर है ग्रेटेस्ट, इसमें है 9 7
नाइन कॉमा सेवन कॉमा फोर कॉमा वन, तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा, फोर डिजिट नंबर आपके जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो नाइन ये तो लिखा ही है, फोर ये नाइन सेवन फोर वन, नाइन सेवन फोर वन ये ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर क्या हो गया, सबसे छोटा डिजिट वन। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है असेंडिंग में लिखेंगे, तो असेंडिंग में पहला वन होता है, फिर फोर हो गया, फिर सेवन हो गया, फिर नाइन हो गया, तो ये वन हो गया, फिर फोर, फिर सेवन, फिर नाइन, ये हो गया 1479, ठीक है 1479, ओके। और नेक्स्ट डिजिट आपका फिर वही जीरो वाला इस सिस्टम है, तो जीरो वाले में क्या होगा, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में क्या होगा, आपका डिजिट है आपके पास फोर फाइव फोर कॉमा जीरो कॉमा थ्री है, तो अब राइट इन डिसेंट जो है अरेंज इन, कौन सा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, ये फाइव कॉमा फोर कॉमा थ्री कॉमा जीरो, तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर इज इक्वल टू फाइव फाइव फोर थ्री जीरो, फाइव फोर थ्री जीरो, फाइव फोर थ्री जीरो, ओके। अब है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर के लिए निकालेंगे, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, अब इस पर पहले असेंडिंग में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ये जीरो थ्री फोर और फाइव, तो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे इस तरह लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि बिकॉज ये क्या हो गया, यहाँ पर ये थ्री डिजिट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, थ्री डिजिट हो रहे हैं, और हमें पूछा हुआ है फोर डिजिट, ये आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा आपका, उसके बाद कौन सा नंबर है आपका, थ्री है, फिर उसके बाद थ्री के बाद जीरो यूज कर सकते हो, फिर थ्री के बाद जीरो, नेक्स्ट नंबर जीरो को चेक कर, फिर नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, नेक्स्ट नंबर राइट, नेक्स्ट नंबर थ्री, थ्री जीरो फोर फाइव, देखिए नेक्स्ट है टू फोर एट, टू एट सेवन फोर है, अब आपको ग्रेटेस्ट लिखना है इसमें, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे इसके, आप इसका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो पहला एट होगा, फिर सेवन होगा, फिर फोर होगा, एट सेवन, फिर लास्ट नंबर टू होगा, तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर होगा एट सेवन फोर टू, वन हंड्रेड थाउजेंड, एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी टू, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हो गया आपका, इनको असेंडिंग में लिखेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पहले इसमें असेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, ये पहले टू हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा, फिर सेवन हो जाएगा, फिर एट, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में, ये पूरा असेंडिंग है, ठीक है। तो ये लिखा टू फोर सेवन एट, ठीक है, वन से हंड्रेड थाउजेंड, टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी टू थाउजेंड, यहाँ देखिए इंडियन सिस्टम है, टू थाउजेंड फोर हंड्रेड, टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एट, सेवेंटी एट, टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एट, ये आपका है इंडियन सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं, एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, और दूसरा होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखा बिग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर फाइंड करने आपको, नंबर्स बाय यूजिंग
एनी वन डिजिट, एक डिजिट को आपको क्या करना है, ट्वाइस यूज करना है, एक डिजिट को दो बार यूज करना है। डिजिट आपके पास तीन गिवन है और चार डिजिट यूज बनाने हैं आपको, चार डिजिट नंबर का, तो आपको एक डिजिट को दो बार यूज करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट आपका 387, ओके, इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाइए। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, 8, 7 और 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा इसको, यह हो गया 8, 7, 3। अब एक डिजिट को विच इज ग्रेटर, जो बड़ा डिजिट है सबसे बड़ा उसको दो बार लिखेंगे, टू टाइम लिखना है, 88 हो जाएगा ये, 8873, 8873। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, तो फोर पहले स्मॉलेस्ट फर्स्ट डिजिट है, इसको आप असेंडिंग में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा आपका 378, तो 3 हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर 3, 7, 8, ये हो जाएगा, जो छोटी डिजिट है उसको दो बार लिख लीजिए आप, 3378, ये स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर 3378। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास BN905, आपको ग्रेटेस्ट लिखना है फोर डिजिट नंबर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में लिखा तो ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, 0 हो गया, 950, तो इसका फोर डिजिट नंबर हो जाएगा आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या 950, तो 9 को टू टाइम लिख लीजिए आप, दो बार 9 को लिख दिया, 99 लिख दिया, उसके बाद 50, ओके 9950। अब इसका क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। देखिए 0 से स्टार्ट तो कर नहीं सकते आप, 0 लिखेंगे इसमें पहला डिजिट असेंडिंग में 0, फिर उसके बाद 4, 9, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, 0 लिखेंगे इस तरह से तो ये तो 49 हुआ, केवल दो डिजिट नंबर है इसमें, 49 है, केवल दो डिजिट नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर है आपका 4, ये रॉन्ग है, तो नेक्स्ट डिजिट है आपका क्या है, नेक्स्ट डिजिट क्या है 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 0 डबल डाल देंगे, 0 क्या डाल दोगे डबल और ये 9, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा 4009, ओके। अब नेक्स्ट डिजिट है आपके पास, ये तो हो गया हमारा सी वाला, ये बी वाला छूट गया, बी वाला है आपका 905, ये भी सेम होगा, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, उसको लिखेंगे आप 9 डबल लिख दिया, 9 को डबल कर दो, 9 को डबल कर लीजिए और 50 लिख दिया, ये आपका 9950 इंडियन सिस्टम में। अब है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा, वट ये पहला डिजिट क्या है इसमें, सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या लिखा, 059, अब 0 से स्टार्ट तो कर नहीं सकते हैं, 050059, ये फोर डिजिट नहीं होंगे, ये दो ही डिजिट वाले जाएंगे, अगर बच्चे प्राय मिस्टेक करते हैं तो ये क्या हो गए, दो डिजिट नंबर हैं, जबकि हमें पूछा है फोर डिजिट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या है इसमें, नेक्स्ट नंबर 5 को लिखेंगे आप 5, और उसके बाद 20 2 0, उसके बाद 9, ये हो जाएगा आपका 5009, 5009 इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इस नंबर का, ठीक है। और नेक्स्ट डिजिट है आपके पास डी
851 ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा आपका 8851। एट को टू टाइम है, सबसे बड़ी डिजिट को दो बार लिख लीजिए, सबसे बड़ी डिजिट को क्या कर लीजिए आप दो बार यूज कर लीजिए आप, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें वन है, कौन सा है वन, तो वन को आप क्या कर दीजिए दो बार लिख लीजिए, वन को क्या कर लीजिए दो बार लिख लीजिए, वन 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 फाइव एट लिख लीजिए, वन वन फाइव एट, वन वन फाइव एट, वन वन फाइव एट, वन थाउजेंड वन हंड्रेड, इस तरह वन वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी एट, ये इंडियन सिस्टम प्लेस वेरा नंबर नहीं है, 58 ये कंप्लीट हुआ आज की।